हरियाणा में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं और अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाले फेस कन्हैया मित्तल ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कन्हैया मित्तल टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया है। कन्हैया मित्तल पंचकुला सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन बीजेपी ने वहां से ज्ञानचंद गुप्ता को दोबारा टिकट दे दिया, इसी के चलते कन्हैया नाराज हो गए। हालांकि उनका ये कहना है कि बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है लेकिन उन्हें लगता है कि अब हरियाणा में कांग्रेस के साथ जुड़ने का वक्त आ गया है। कन्हैया मित्तल एक भजन गायक हैं। सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे उसका साथ दो,